सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हो सकता है कि आपके मार्केट में सिक्का चलता ही ना हो। सिक्का का मतलब है जो भी कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का कॉइन, ऐसा हो सकता है। लेकिन चलिए मार्केट की बात पब्लिक की बात है, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करे तो वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। हाँ, दुकानदार अगर एक्सेप्ट ना करे तो उसके खिलाफ ले सकते हैं एक्शन। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों कि अगर आप बैंक में जाते हैं पैसा देने के लिए और बैंक रिजेक्ट कर देता है, कहता है ये पैसा नहीं चलेगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और इसके बाद इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊँगा आगे इसी वीडियो में कि ये वीडियो फुटेज कहाँ का है और इसके बाद कौन कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। सर ज्यादा सिक्का नहीं है सर, बताइए बैंक में आकर के सर, तो 2 का सिक्का फिर किसको हम देंगे? अब मार्केट वाला लेवे नहीं करता है। गजब हाल तो फोन कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है। बाहर से कीजिए, बाहर से, बाहर से कीजिए फोन। फोन कह नहीं रहे हैं, 2 का सिक्का नहीं ले रहे हैं बैंक में। बताइए 2 का सिक्का कितना का जमा कर रहे हैं? 10 रुपये का खाली हम ग्रीन कार्ड के लिए नहीं ले रहे हैं। लेवे ले तो है, पसंद कर लीजिए जमा कर। हमारा तो बाहर चाहिए तो बाहर से 10 रुपया दे दे, दे दीजिए भैया 10 रुपया। बाहर तो आरो नहीं लेता है, कुछ सामान लेते ना देता, उसे देगा नहीं। छोटका सिक्का लेना है? नहीं नहीं, बड़े का सिक्का है, दीजिए दे देगा 10 रुपया। आप ही के स्टाफ नहीं ले रहे हैं? बताइए बैंक में होकर के नहीं लेते? हम बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक नहीं वाले वाले नहीं लेंगे। सिर्फ 20 रुपये लेके जमा कर लेंगे, अभी से जमा करना था। तो दोस्तों वीडियो को देख लिए, अब मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो फुटेज है, वीडियो फुटेज, ये किस बैंक का है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साफ साफ इसमें दिख रहा है। इसके बाद जब ब्रांच की बात मैं बता देता हूँ तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और इसमें जो है केस क्या है कि ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए 20 रुपया दिया गया था और इसमें जो है सिक्का जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ एम्प्लॉय के साथ साथ जब बैंक मैनेजर को बोला गया तो बैंक मैनेजर भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और बोले नहीं, आपको बाहर से जाइए, आप चेंज करवा करके चेंज जो है दीजिए और नोट लेकर के आइए। और ये कंडीशन ये है। अब लगभग मैं समझ रहा हूँ अपने आसपास के बाद जो है दूसरे स्टेट में भी हो रहा होगा, आपके आसपास भी हो रहा होगा कि सिक्का को कोई नहीं ले रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से और नेट पे भी सर्च करने के बाद कि एटलीस्ट एक आदमी से एक दिन में आप बैंक में जाते हैं तो 1000 रुपये तक का जो है कोई भी कॉइन आप दे सकते हैं और बैंक को लेना पड़ेगा। 1000 से ज़्यादा इसलिए कि अगर भर दिन उलझे रह गए तो बैंक का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सोचिए यहाँ पे 20 रुपये का ये हालत है तो 1000 तो दूर की बात है और आम आदमी को तो ऐसे ही भगा देते होंगे। तो मैं चाहता हूँ, पर्सनली मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग के साथ, ताकि सर्कुलेट हो और सर्कुलेट होने के बाद जो है इस पर एक्शन भी हो। फिलहाल मैं बता देता हूँ इसके अगेंस्ट क्या क्या मैं एक्शन लिया हूँ, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जा करके अगर आप इस ब्रांच में, इस बैंक में हो रहा है ऐसा कंडीशन किसी भी ब्रांच में, तो आप वहाँ पर कंप्लेन दायर कर दीजिए। दूसरा, अगर आप हैं थोड़ा सा एक्टिव हैं, आप चाहें तो इसके अगेंस्ट आप प्रूफ है आपके पास तो आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट तुरंत जो है एक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं पहले बोल देता हूँ, प्रैक्टिकली बोल देता हूँ कि होता क्या है कि बैंक मैनेजर के लिए अगर आप जाते हैं कंप्लेन दायर करने तो हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपको रिफ्यूज भी कर दे या भगा भी दे, जनरली होता है। तो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, थियोरेटिकली अलग चीज़ है, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि भगा देते हैं, लेकिन जनता होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह एक्सेप्ट भी किया जाता है और वो एक्सेप्ट करते हैं केस और इसके बाद एक्शन भी लेते हैं। और तीसरा ये है जो कि आप लोग सभी लोग कर सकते हैं, 2 मेथड आप कर सकते हैं। एक तो चलिए FIR करें या ना करें उसमें आपको समय, उसमें आप उलझना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाकर के जो CMS है वहाँ पर जाकर कंप्लेन दायर कर दीजिए। और दूसरा यह है कि RBI को आप जो है कंप्लेन सबमिट कर ही दीजिए ताकि इसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। और इसीलिए मैं सोचा, पहले तो मैं सोचा इस चीज़ को इग्नोर करा दूं, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ, थैंक्स कहता हूँ अभिषेक भटनागर जी है, उन्होंने ये बोला कि चलिए आपके साथ ये इशू हुआ तो हुआ, लेकिन पब्लिक के सामने लाइए और इस प्रॉब्लम को रेज कीजिए ताकि अदर के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।